जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो हर रोज की तरह आज भी हम आप सभी के बीच बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं, जो कि कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलते हैं हम आप सभी को। यहाँ पे हम कुछ लेवल्स ड्रा करने वाले हैं, या फिर ड्रा करेंगे, या फिर हम बताएंगे कि कल का क्या मोमेंटम होने वाला है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, अगर वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए आज मार्केट ने क्या मोमेंटम करा है, यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स बन रहे हैं। सबसे पहली चीज, कई बार सपोर्ट लेते हुए दिखी है निफ्टी बैंक। यहाँ पे देख सकते हैं कि 43,080, मान के चलो 43,080 का ये जो लेवल है, 43,080 का ये एक बेहतर सपोर्ट ले रहा था। अगर इंट्राडे मोमेंटम की बात करें तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती तो ये फिर मार्केट जो है कम से कम इस जो प्रीवियस डे में जो डे लो बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये वाला टारगेट करीब 42,920 के आसपास में। लेकिन अब कल का क्या मूवमेंट होने वाला है ये आप सभी लोग समझ लीजिएगा एक अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे एक अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ऊपर से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रा करते हुए आ रही है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न अगर आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें कुछ इस टाइप का चार्ट पैटर्न आप सभी को देखने को मिल जाता है, जो कि एक बुलिश या फिर बियरिश कह सकते हैं। मतलब इस कंडीशन में होता ये है, हम यहाँ पे आप सभी को पहले तो इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ताकि आप सभी को थोड़ा सा आसान लगे, आसान तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो ये हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन है। आप सभी लोगों ने देखा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम करा है। एक तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल जो है एक हायर कैंडल बनी है, और इस कैंडल का जो हाई भी ब्रेक हुआ था उसके बाद में फिर हाई और लो के बीच में ही मार्केट रह गई है। खैर यहाँ पे अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो नीचे का सपोर्ट ये लगाते हैं और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो एक बन जाता है पैटर्न। इस पैटर्न के बीच में अगर कल को मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई ऊपर की साइड में, तो फिर आपको 43,300 का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब 43,300 का लेवल देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा ऊपर की साइड में अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है तो। वहीं पे नीचे की साइड में देखें 43,080 का मुझे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि बेहतर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा 43,080 का ये वाला लेवल। इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन देती है कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक, या फिर गैप डाउन हो जाती है, तो आपको 42,860 यानी 42,860 का ये लेवल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कल को गैप अप हो जाती है या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, यहाँ कहीं ट्रेड करने लगती है, तो आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 43,300 का। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चार्ट पे देखते हैं कुछ और टारगेट्स या फिर कुछ स्टॉप लॉस मुझे देखने को मिल रहे हैं कि ये नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ऊपर का लेवल्स मुझे देखने को मिल रहा है, चूंकि हमें यहाँ पे एक जोन भी क्रिएट होता दिख रहा है। प्रीवियस अगर हम आप सभी को दिखाना चाहें तो यहाँ पे जोन क्रिएट होता है वो दिख रहा है, लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 43,300 के ऊपर मार्केट जो है चली जाती है, 43,300 के ऊपर मार्केट जाती है, ट्रेड करने लगती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 43,560 का ये देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी तो 50 पॉइंट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सभी को ट्रैप कर सकती है, इसलिए यहाँ पे इस टाइम वोलेटाइल रहती है काफ़ी ज़्यादा मार्केट। आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार फ्लैट भी रह जाती है। तो इस फ्लैट मोमेंटम को कैप्चर कीजिएगा। फ्लैट मोमेंट में मैंने जो आप सभी को बॉक्स स्ट्रेटजी वाली वीडियो बताई हुई थी, उस बॉक्स स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर 4 से 6 कैंडल 5 मिनट की या 15 मिनट की फ्लैट रह जाती हैं एक ही रेंज में अगर ट्रेड करने लगती हैं, तो उन्हें हम रेक्टेंगल टूल लगाते हैं और उस रेक्टेंगल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो हम बहुत पहले से जुड़े हमारे साथ वो सभी लोग जानते होंगे। अदरवाइज चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आप सभी को पर्टिकुलर लेवल्स भी प्रोवाइड कराया करते हैं। आज आप सभी लोगों ने देखा कि करीब 60-70 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में आप सभी को टारगेट हिट होता हुआ दिखा है। हालांकि एंट्री की अगर हम बात करें तो एंट्री मिस्ड हो जाती है कई बार 1 या 2 पॉइंट से। तो मैंने आप सभी को कई बार बताया हुआ है कि 2 पॉइंट का बफर लेके चलना पड़ता है जो प्रीमियम का होता है। जैसे मैंने लेवल दे दिया कि 195 से 200 के बीच में आपको बाई करना है, तो अगर आप 2 लॉट से करते हैं तो यहाँ पे 202 या फिर 201 आ जाती है। आप सभी लोग तो इतना समझदार हो गए हैं, फिर मेरे ख्याल से इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं,
समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करता हूं टेलीग्राम पे, इसलिए क्योंकि मुझे कोई प्रीमियम तो बेचना नहीं होता। यहां पे जितनी भी सर्विसेज होती है सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सभी को प्रोवाइड कराया करता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से जैसे 202 आ गया तो आप 202 पे एक लॉट से एंट्री बना लेंगे, इनकेस 195 194 आ गया तो यहाँ पे 194 पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो एक दो पॉइंट बफर लेके चलना पड़ता है एकदम एग्जैक्ट डॉट टू डॉट की, मैंने बता दिया कि 194.5, तो इतना कैलकुलेशन तब काम करता है जब मार्केट हमारे ही अनुसार चलती है। हमारे अनुसार मतलब ये कि अगर मैंने जो कैलकुलेशन करा है वो अगर 15 मिनट भी फ्लैट रह जाती है या कुछ हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस में एक दो पॉइंट का जो है डिफरेंस आ जाता है। तो कई बार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से टारगेट को हिट कर देते, तो ये होता है प्रीमियम डीके का जो लफड़ा होता है ये रीजन होता है। तो इस चीज को आप सभी लोगों को समझना होगा। देखिए अभी तो मुझे नहीं लगता है कि 42,860 के नीचे जाएगी, अब मतलब की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर वीडियो को स्किप करके आ गए हैं तो बैक करके देख लीजिएगा, सारी चीजें हम यहाँ पे आप सभी को समझाए हैं और पुनः एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। 42,860 के लेवल के नीचे कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट नहीं जाने वाली है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ कहीं आप सभी को मार्केट मिल रही तो यहाँ से बिल्कुल सी की पोजीशन में आप आएंगे, और सी की पोजीशन में अगर आप यहाँ से बने हुए हैं तो सबसे पहला टारगेट लेंगे 43,080 का, मतलब 43,080 का, एंड देन इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगती है तो क्रम सामने आप सभी को टारगेट बता ही दिए हैं कि 43,300 का आपको मिलेगा। इसके बाद आपको जो मिलने वाला है वो 43,560 का मिलने वाला है। एक चीज यहाँ पे हम आप सभी को और बता देना चाहते हैं, अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर देती है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 42,860, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है और अभी तक जो बुलिश मूवमेंट में चल रही थी निफ्टी बैंक या फिर मार्केट, तो अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो आपको 4-6 दिन फिर एक वीक समझ लीजिए कि डाउन मूवमेंट में ही रहने वाली है निफ्टी बैंक, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है और यहाँ से फिर मार्केट का बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, ऐसी मेरी एनालिसिस है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाली है या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि आप सभी को ट्रेडिंग कराया जाए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, तो मैं आप सभी का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे दोस्तों अगर 42,860 के नीचे अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, चूंकि मार्केट कितना गैप अप कितना गैप डाउन होती है किसी को नहीं पता होता है, यहाँ पे वो अनुमान लगाने की तो अलग की बात हो जाती है, कोई अनुमान लगाता है, यहाँ पे एनालिसिस जो होती है अपनी अपनी होती है। हम ये जो प्राइज एक्शन होता है प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो अगर 42,860 के नीचे आपको मार्केट दिखती है कल के ही ट्रेडिंग सेशन में, जो कि होना नहीं है, तो आपको 42,500 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट देखने को मिलेगी, मतलब 42,500 के लेवल पे मार्केट देखने को मिलेगी, जो कि एक स्ट्रांग साइकोलॉजिकल और न्यूमेरिकल सपोर्ट भी ये बन रहा है, इसलिए मैंने टारगेट ये पॉइंट ये आपसे डिस्कस कर दिया है। अदरवाइज आप सभी की अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं वहाँ पे मैं, हाँ टेलीग्राम चैट सपोर्ट के माध्यम से, तो हो सकता है कि चैट के रिप्लाईज आप सभी को थोड़ा बाद में मिले, लेकिन ज़रूर मैं आप सभी के साथ बना रहता हूँ, ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। हम नहीं करते हैं तो हमारी टीम करती है, हमारे साथ के जो टीम के लोग हैं वो करते हैं। तो दोस्तों वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज मैं लाइव नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल इशू था, मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कराया था आप सभी को। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, टेक केयर बाय बाय, आई लव यू।